सनसनी ऑफ इंडिया। इंस्पेक्टर दलीप कुमार के नेतृत्व में एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने मध्य प्रदेश के एक ऐसे बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश किया है जो गांव के भोले भाले लोगों को लालच देकर उनके 9 से 15 साल तक के बच्चों को एक वर्ष के लिए किराए पर लेता था, फिर बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनसे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शादी समारोह में चोरी करवाता था। बालिग आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय सोनू और 22 वर्षीय किशन के रूप में हुई है। यह लोग राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी से दिल्ली, फरीदाबाद व गाजियाबाद के 6 केस सुलझ गए हैं। इनके कब्जे से 63,500 रुपए सोने की एक चेन, बैग व एक कार बरामद हुई है। हाल ही के दिनों में हेरिटेज गार्डन, सूरज कुंड, हॉलमार्क बैंकेट करकर घुमा, मेपल गोल्ड एंगेजमेंट हॉल नंबर 2 पश्चिम विहार, लोट्स ग्रेस मैरिज हॉल साइड 4 साहिबाबाद, वसुंधरा गार्डन गाजियाबाद, बगावत पार्क हाउस सूरजकुंड में हुए शादी समारोह में शगुन के पैसे, आभूषण व नकदी से भरे बैग चोरी होने की घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं को अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव ने गंभीरता से लिया और एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी को मामला सुलझाने का काम सौंपा। टास्क मिलते ही राजेश देव डीसीपी क्राइम ने सुशील कुमार एसीपी की सुपरविजन व इंस्पेक्टर दलीप कुमार के नेतृत्व में एसआई अशोक कुमार, विजय कुमार, एसआई वीर सिंह, विजय सिंह व हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर दलीप कुमार ने सबसे पहले दिल्ली, फरीदाबाद व गाजियाबाद के उन सभी शादी समारोह का डाटा इकट्ठा किया जिनमें चोरियां हुई थी। सभी शादी ब्याह में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, ऐसे में शादी में बुलाए गए बराती और घरातियों के साथ साथ सर्विस दे रहे लोगों की अलग अलग जांच करना अपने आप में संभव नहीं था और साथ ही ऐसा करने से शादी में आए लोग नाराज भी हो सकते थे। शादी में आए लोग नाराज न हो और चोरों का भी पता चल जाए, इसके लिए इंस्पेक्टर दलीप कुमार ने शादी समारोह की वीडियो फुटेज खंगालने के साथ साथ दिल्ली, फरीदाबाद व गाजियाबाद के प्रमुख बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस जहां विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, वहां मुखबिरों को तैनात किया। घटना वाले सभी शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर टीम को पता चला कि सभी जगह सेम मोडस ऑपरेंडी से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग से मिले अभी तक के सबूतों से इंस्पेक्टर दलीप कुमार ने एक बात का तो अंदाजा लगा लिया था कि सभी चोरी की घटनाओं के पीछे किसी एक गैंग का हाथ है। इंस्पेक्टर दलीप कुमार ने फार्म हाउस, बैंकेट हॉल व वेडिंग सेरेमनी को टारगेट करके शादी समारोह में शामिल होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले क्रिमिनलों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी, खासकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, क्योंकि सेम मोडस ऑपरेंडी से वारदातों को अंजाम देने वाले ज्यादातर गैंग यहीं से ऑपरेट होते हैं। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक काफी छानबीन के बाद टीम ने एक नाबालिग समेत 3 सस्पेक्ट की पहचान कर ली। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए संदिग्धों को खोजने की कोशिश की। इंस्पेक्टर दलीप कुमार की मेहनत रंग लाए। टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल 3 सस्पेक्ट दिल्ली में छिपे हुए हैं और दिल्ली छोड़कर मध्य प्रदेश अपने गांव भागने की फिराक में है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलते ही टीम ने तुरंत छापा मारकर एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान राजगढ़ मध्य प्रदेश निवासी 24 वर्षीय सोनू और 22 वर्षीय किशन के रूप में हुई है। किशन के खिलाफ दिल्ली में पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गुलखेड़ी, जिला राजगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों ने आगे खुलासा किया कि वो शादी सीजन के दौरान दिल्ली NCR में आकर फार्म हाउस, बैंकेट हॉल व वेडिंग सेरेमनीज को टारगेट करके चोरी की वारदात को अंजाम देकर शादी का सीजन खत्म होने के बाद वापस अपने गाँव लौट जाते हैं। गैंग लीडर ने आगे खुलासा किया कि वो गांव के भोले भले लोगों को मोटी रकम का लालच देकर उनके 9 से 15 साल तक के बच्चों को एक वर्ष के लिए किराए पर लेता था। एक बार सौदा तय हो जाने के बाद बच्चे के माता पिता को पैसों का भुगतान 2 या अधिक किस्तों में कर दिया जाता था। इसके बाद गैंग सरगना बच्चों को 1 महीने तक शादी समारोह में चोरी करने की ट्रेनिंग देता था। शादियों में चोरी कैसे की जाती है और वेन्यू पर लोगों से कैसे घुलते मिलते हैं, बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाया जाता था ताकि वे पकड़े जाने की स्थिति में अपनी और अपने गिरोह के सदस्यों की पहचान न बता सके। आरोपी बच्चों को कोट पेंट पहनाकर व टाई लगाकर शादी समारोह में चोरी करने भेजते थे। कई बार इनके साथ महिला भी होती थी। बच्चे शादी में आए मेहमानों से घुल मिल जाते थे, ये मौके की तलाश में रहते थे। जैसे ही समारोह में आई कोई महिला खाना खाते समय बैग टेबल पर रख देती थी या फिर कोई और मौका लगते ही ये बैग चुराकर गायब हो जाते थे।
वारदात को अंजाम देते समय गैंग के लोग ऑटो और मोटरसाइकिलों पर शादी समारोह के बाहर खड़े रहते थे। आरोपियों ने हेरिटेज गार्डन सूरजकुंड से 1,00,000 नकद और गहने, हॉलमार्क बैंकेट करकरदुमा से 1 मोबाइल फोन, 1 गोल्ड चेन और 2,50,000 नकद, मेपल गोल्ड एंगेजमेंट हॉल नंबर 2, पश्चिम विहार से 3,00,000 कीमत का सामान, लोट्स ग्रेस मैरिज हॉल साइट 4, साहिबाबाद से 5,00,000 नकद और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सुंदरा गार्डन गाजियाबाद से 10,000 रुपए नकद और 1 मोबाइल फोन व डाबर फार्म हाउस सूरजकुंड से 2,65,000 का कीमती सामान चोरी किया था। आरोपियों के पास से 1 गोल्ड चेन, 63,500 रुपए नकद, 1 लेदर बैग और 1 i10 कार बरामद हुई है। बाकी बरामदगी के लिए पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।